Hi guys, today we are going to start 6th class English of Punjab School Education Board, and this is lesson 1, and the lesson name is the farmhouse cows. So firstly, there is a pre-reading. Pre-reading means we have to prepare for this chapter. To understand the chapter properly, we should learn some new words. So there is a dictionary reference. Dictionary reference means you have to find out these words from the dictionary to know the proper meaning of these. So guys, these are the words. The first word is appreciate. Appreciate means to admire. So guys, I will also tell you the Hindi of these words so you can understand the proper meaning. So appreciate means admire. Admire means किसी की प्रशंसा करना. एंड द सेकेंड वर्ड इज लॉफ. लॉफ मीन्स वन पीस ऑफ एनी यूटेबल थिंग. यू कैन से पीस ऑफ ब्रेड. एंड द थर्ड इज लंप. लंप मीन्स चंक और यू कैन से द ढेर किसी खाने वाली चीज़ का. ओके. एंड द फोर्थ वन इज क्रिएचर. क्रिएचर मीन्स एनी अ लिविंग बींग, मतलब कि कोई भी जीव जंतु जो. नेक्स्ट है जी चीज़. चीज़ में भी आप सबको पता हो, चीज़ मीन्स पनीर. एंड नेक्स्ट इज डिलीशियस. डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट, टेस्टी. अंडरनेट. नेक्स्ट इज अंडरनेट. अंडरनेट मीन्स बनेट और नीचे. सो चिल्ड्रन, लेट अस रीड द स्टोरी नाउ. Rajinder got very happy that his parents had bought a farm in a village. Rajinder जो है वो बहुत ही खुश है क्योंकि उसके जो parents हैं, मतलब माता पिता हैं, उन्होंने एक village मतलब होता है गांव में एक farm house खरीदा है. farm मतलब कि जो खेतों में या खेतों के नज़दीक घर होता है. Where they were moving from a city, जहाँ वो सिटी मतलब के शहर से वो विलेज में अपने फार्म हाउस में जा रहे हैं. It was so different. It means कि ये यहाँ पे सब कुछ अलग था, बहुत अलग था. There were small green lanes instead of busy streets. यहाँ पे छोटी छोटी हरी भरी गलियां हैं इंस्टेड ऑफ बिजी स्ट्रीट्स. जैसे शहरों में बहुत बिजी बहुत ही भीड़ भाड़ होती है, भीड़ भाड़ वाली गलियां होती हैं. यहाँ पे हरी भरी और छोटी छोटी गलियां हैं. बिग ट्रीज इंस्टेड ऑफ टॉल बिल्डिंग्स. यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की बजाय यहाँ पे पेड़ हैं. इंस्टेड का मतलब होता है बजाय. एंड अ लॉट ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स. और यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं और बर्ड्स भी हैं. Rajinder counted the animals and said to his mother. Rajinder ने एनिमल्स को काउंट किया कि उन्हें उनको गिना और अपनी मदर को बोला. There are 32 goats in the fields and 6 little kids. Mom, तो उसने कहा कि यहाँ पे 32 यानी 32 बकरियां हैं एंड 6 लिटिल किड्स, मतलब ये 6 उनके छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको हम मेमने बोलते हैं, बकरी के बच्चे को. सेड Rajinder टू हिज मदर. ये सब उसने अपनी मम्मा से बोला अपनी. एंड देयर आर 9 हॉर्सेस एट द फार्म एंड आई सॉ 2 रैबिट्स दिस मॉर्निंग. कि और इस जो फार्म हाउस है इसमें 9 हॉर्सेज हैं, लेकिन 9 घोड़े हैं. एंड आई सॉ 2 रैबिट्स दिस मॉर्निंग. और मैंने आज सुबह ही 2 खरगोश भी देखे. एंड अबाउट 12 डक्स. और यहाँ पे 12 डक्स मीन्स बत्तखें भी हैं. आई कुडंट काउंट दैम प्रॉपरली बिकॉज दे वुडंट स्टे स्टिल इन वन प्लेस. मैं उनको काउंट नहीं कर पाया क्योंकि वह एक जगह पे टिकती नहीं है. द हैंड्स वुड ऑल्सो नॉट स्टे स्टिल.
और जो हैंस हैं मतलब मुर्गियां हैं वो भी एक जगह पे नहीं टिकती हैं। व्हाट अबाउट द काउज, सेड हिज मदर, हैव यू काउंटेड दोस। उसकी मदर उससे पूछती है कि व्हाट अबाउट द काउज, के काउज के बारे में क्या, क्या तुमने उस उन्हें गिना है। आई डू नॉट लाइक काउज, सेड रजिंदर। रजिंदर ने बोला कि मुझे काउज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दे हैव बिग हॉर्न्स एंड दे रोर एट मी, कि वो उनके बड़े बड़े सींग होते हैं और वो मुझसे देखकर मुझे घूरती हैं और किराती भी हैं। ओह नो, सेड हिज मदर, लाइन रोर्स, काउज ओनली मूव। वो कहता है कि उसकी मदर कहती है कि जो लाइन है वो गरजता है, काउ नहीं, काउ तो मूव करती है, मतलब कि जो काउ की आवाज़ होती है उसे बोलते हैं मूव। वेल इट साउंड्स जस्ट लाइक लायंस टू मी, सेड रजिंदर। रजिंदर कहता है कि मुझे तो ये लायन जैसा ही लगता है। यस आई डू नॉट लाइक द काउज एट ऑल, दे आर बैड। रजिंदर कहता है कि मुझे जो गाय है वो बिल्कुल ही पसंद नहीं है, वो बहुत ही बुरी होती हैं। नो दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, दे गिव अस डिलीशियस गिफ्ट्स, कि नहीं वो तो बहुत ही अच्छी हमारी दोस्त होती हैं। दे गिव अस डिलीशियस गिफ्ट्स, वो हमें स्वादिष्ट गिफ्ट मतलब के उपहार देती हैं। सेड मदर, मदर ने कहा। शी टुक डाउन अ जग ऑफ मिल्क, वो जाती है और एक दूध का जग लेके आती है। शी पॉड इट इन टू अ मग एंड गेव इट टू द रजिंदर, पॉड मतलब डालना, वो उस मग में से जो दूध होता है वो एक मग में डालती है, जग में से दूध मग में डालती है, गेव इट टू द रजिंदर, वो रजिंदर को देती है। ही ड्रैंक इट, वो उसे पी लेता है। सो डिड दैट कम फ्रॉम द काउ, तो वो पूछता है कि क्या ये काउ से आया है। ही आस्क्ड मदर नॉडेड, वो पूछता है तो मदर सिर लाती है। वेल इट वॉज सिंपली डिलीशियस, वो कहता है कि हाँ ये तो बहुत स्वादिष्ट है। एट लंच टाइम मदर पुट डाउन अ डिश ऑफ स्वीटेंड एप्पल्स फॉर रजिंदर। फिर वो लंच टाइम में उसकी जो मदर होती है वो प्लेट में एक स्वीटेंड एप्पल मतलब कि जो एक मीठे एप्पल है वो डालती है, वो मीठे एप्पल की रेसिपी उसकी प्लेट में डालती है। ही लुक्ड अराउंड फॉर द कस्टर्ड दैट मदर यूजली मेड फॉर हिम विद दिस डिश। तो जो रजिंदर होता है वो इधर उधर देख रहा है, वो कस्टर्ड ढूंढ रहा है क्योंकि जो कि वो यूजली मतलब आमतौर पर उस डिश के साथ वो कस्टर्ड खाता है। देयर वॉज नन, कि वहाँ पे कस्टर्ड नहीं था। द काउ हैज सेंट यू दिस गिफ्ट इंस्टेड, तो उसकी मदर बोलती है, सैड मदर, उसकी मदर बोलती है कि काउ ने आज तुम्हारे लिए ये वाला गिफ्ट भेजा है कस्टर्ड की जगह पे। एंड शी गेव रजिंदर अ लिटिल जग फुल ऑफ थिक क्रीम, और वो रजिंदर को एक छोटा सा जग देती है जिसमें पे जो कि एक गाढ़ी क्रीम से भरा होता है। हाउ लवली इट वॉज, वो बहुत ही प्यारा था। रजिंदर पॉड इट ऑल ओवर हिज एप्पल्स, रजिंदर वो थिक क्रीम को अपने एप्पल्स पे अच्छी तरह डालता है। दे टेस्टेड मच नाइसर देन यूजुअल, वो कहता है कि ये तो आगे पहले से भी अच्छे लग रहे हैं, जैसे मैं पहले खाता हूँ मतलब आमतौर पर जैसे मैं खाता हूँ ये उससे भी स्वादिष्ट लग रहे हैं। सो दैट कम्स फ्रॉम द काउ टू, तो सेड द लिटिल बॉय, वो पूछता है कि क्या ये भी काउ से आया है। वेल इट मस्ट बी अ वेरी काइंड एनिमल, तो वो कहता है कि ये तो बहुत ही काइंड मतलब दयालु एनिमल मतलब जानवर है, दयालु जानवर है। येस इट इज़, ऑल दीज थिंग्स आर मेड ऑफ काउ मिल्क, वो कहता है कि उसकी माँ कहती है कि हाँ वो बहुत सच में काइंड एनिमल है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो काउ मिल्क से ही बनी हैं, मतलब काउ के गाँव जो गाय होती है उसके दूध से बनी है। रजिंदर वॉज सरप्राइज टू नो दैट काउ के सो मच मिल्क दैट हिज मदर कुड मेक सो मैनी थिंग्स आउट ऑफ इट, तो रजिंदर ये सब सोच के बहुत हैरान होता है कि काउ इतना सारा दूध देती है कि उसकी मदर उस दूध से बहुत सारी चीज़ें बना पाती है। एट टी टाइम मदर सर्व्ड अ लॉफ ऑफ ब्रेड ऑन द टेबल विद होममेड जैम, जब चाय का टाइम होता है तो उसकी जो मदर है वो लॉफ ऑफ ब्रेड मतलब कि एक ब्रेड का पीस रखती है और साथ में घर में बना हुआ जैम रखती है। यूजली देयर वर स्लाइसेस ऑफ ब्रेड एंड बटर, आमतौर पर वहाँ पे क्या रखा रहता है, स्लाइसेस ऑफ ब्रेड मतलब कि ब्रेड के टुकड़े विद बटर, बटर के साथ में, बटर मतलब मक्खन। लुक रजिंदर द काउ हैज सेंट मी अ प्रेजेंट टू, तो वो बोलती है कि रजिंदर देखो काओ ने मतलब के जो गाय है उसने एक और प्रेजेंट भेजा है। मदर लिफ्टेड अप द लिड ऑफ द चीज डिश, वो
और चीज़ डिश मतलब कि जो पनीर से बनी हुई डिश होती है, वो जिस चीज़ में रखी होती है उसका ढक्कन उठाती है, एंड अंडर दैट जिंदर सॉ अ बिग लंप ऑफ होम मेड चीज़। लेकिन उसे बहुत सारा जो घर में बना हुआ पनीर है उसका एक ढेर दिखाई देता है। मदर कट फॉर हर सेल्फ अ पीस ऑफ चीज़। मदर अपने लिए, जो उसकी माँ होती है, अपने लिए चीज़ मतलब कि पनीर का एक टुकड़ा काटती है, एंड सेड इट वॉज डिलीशियस, और कहती है कि बहुत ही स्वादिष्ट है। मी आई पुट सम ऑन माई लॉफ, सेड रजिंदर। रजिंदर पूछता है कि क्या मैं इसे अपने ब्रेड के टुकड़े पर लगा सकता हूँ। ओह माई गॉड, सेड रजिंदर, वॉट अ नाइस फ्रेंडली क्रिएचर द काओ इज। तो रजिंदर बोलता है कि हाँ हे भगवान, कि ये जो काओ है मतलब कि जो गाय है, ये तो बहुत ही एक अच्छी जीव है, बहुत ही फ्रेंडली मतलब के जो सबके साथ अच्छा व्यवहार करे, एक दोस्ती वाले व्यवहार वाले। आई विल नॉट हेट इट एनी मोर और बी फ्राइटेंड ऑफ इट। अब मैं इससे बिल्कुल भी नहीं डरूंगा और ना ही इससे नफरत करूंगा। देयर इज़ नो रीज़न टू बी, सेड मदर। ये मदर कहती है कि इसके लिए तुम्हारे पास कोई कारण भी नहीं है। आई शेल गो एंड स्टैंड ऑन द गेट दैट लीड्स टू द काउ फील्ड्स। जो रजिंदर होता है वो कहता है कि मैं जहाँ पे काउज रहती हैं फील्ड्स में, वहाँ पे जाऊँगा उसके गेट के पास खड़ा होके, एंड से थैंक यू टू द काउज। मैं उन्हें काउज को थैंक यू बोलूँगा। आई डिड नॉट नो देवर सो काइंड। वो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि ये इतनी दयालु होती हैं। एंड नाउ रजिंदर इज़ नॉट अ बिट अफेड ऑफ काउज। और अब रजिंदर जो है वो बिल्कुल भी काओ से डरता नहीं है, एंड ही लाइक्स देम वेरी मच। और वो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगा है। ही सेज दे आर हिज फ्रेंड्स। वो अब बोलने लगा है कि वो काउज जो हैं वो इनकी उसकी फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड बन गई हैं। वट डू यू से, आप इस बारे में क्या कहोगे। अडॉप्टेड फ्रॉम 5 o'clock टेल्स बाय एंज ब्लेंटन। ये जो लेसन है वो जो एनिड ब्लेंटन है, इसकी जो बुक है 5 o'clock टेल्स, उसमें से एक हिस्सा लिया गया है। सो चिल्ड्रन, ये था हमारा लेसन नंबर 1 ऑफ क्लास 6 फार्म हाउस काउस। लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज